दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज एक नई न्यूज आपके सामने है जो कि हमारी मेट्रो से संबंधित है। जिस चीज़ को लेकर इतने सालों तक आप लोगों का इंतज़ार था कि मेट्रो कब स्टार्ट होगी, कब चलेगी, तो आज वो दिन हमारा आ गया है और आज के दिन हमारा मेट्रो का शुभारम्भ कानपुर में हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मेट्रो का अनावरण किया और इसमें खुद बैठ के उन्होंने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का सफ़र भी तय किया। आज चूँकि इनॉग्रेशन हमारा मेट्रो का होना था, तो उसके मद्देनज़र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हमारा कार्यक्रम था वो टाइम टू टाइम निश्चित था। पहले उनको IIT तक जाना था, तो IIT में भी उन्होंने कुछ शुभारम्भ मतलब कुछ योजनाओं का शुभारम्भ किया है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा मेट्रो का इनॉग्रेशन था, तो मेट्रो का इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया। और इसके पहले हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी थे, उन्होंने उसका पहले ही औचक निरीक्षण कर चुके थे। तो जब प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, तो उन्होंने इसमें बैठ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का सफ़र भी तय किया और इस परियोजना का जो दारोमदार था सब कानपुर वासियों को सौंप दिया है। आज के दिन से अब आपके लिए मेट्रो कल से सभी के लिए स्टार्ट हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति कानपुर मेट्रो में सफ़र कर सकता है। दूसरी बात आती है, आज हमारे माननीय मोदी जी की रैली भी हमारे निराला नगर में थी, जिसमें उन्होंने कुछ नई नई चीज़ों की सौगात भी हमारे कानपुर वासियों को लिए दी है। और उन्होंने जाते जाते ये भी बोला है कि हमारे कार्यकाल में मैंने जो मेट्रो का एक सपना देखा हुआ था अपने कार्यकाल में, उसको पूरा भी किया है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो UP को आज की डेट में इतनी ज़्यादा सौगातें मोदी जी ने दे रखी हैं कि अगर आप देखें तो कोई ना कोई पर डे कोई ना किसी शिलान्यास, किसी का उद्घाटन, किसी का अनावरण, किसी ने का इनॉग्रेशन सब हो रहा है। आज हमारा मेट्रो का इनॉग्रेशन था, तो इसकी तैयारियां पहले से बड़े ज़ोर शोर से चल रही थी और आज हमारा वो घड़ी भी आ गई, वो घड़ी भी जो हमारा इंतज़ार था कि मेट्रो कब चलेगी, तो आज उसकी घड़ियाँ भी समाप्त हो गई और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया।